केंद्र की मोदी सरकार व अडानी के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने खुलकर जो है वो सड़क पर आ गई है। हम तस्वीरों के माध्यम से आज आपको दिखाना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, समर्थक हैं, वो राजभवन जा रहे थे, राजभवन को ज्ञापन देने जा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले काफ़ी समय से महंगाई से जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो राजभवन का घेराव करने जा रही थी। लेकिन पुलिस की भारी बैरिगेटिंग ने, पुलिस बल ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोक लिया है। ऐसे में तमाम तरह के जो प्रयास है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है कि आखिर किसी भी हाल में राजभवन पहुंचा जाए और राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाए। बीते कई दिनों से जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सड़क पर उतर आई है और जनता के मुद्दों की बात को सरकार तक और राज्यपाल तक पहुँचाने के लिए आज जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जरूर बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है, नेताओं का जो हुजूम है, उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी इतने दल बल के साथ क्यों राजभवन जा रही है। हालांकि जिस तरह से पुलिस बल तैनात है, अब देखना ऐसे में यह होगा कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो राजभवन जा पाते हैं या फिर उन्हें यहीं से ज्ञापन लेकर वापस भेज दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा जानकारी और खबरों के लिए बने रहें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ।